सरप्राइज था हम लोगों के लिए कि इस ढंग का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे नए सिंगर्स नए बैंड और पब्लिकली लाइव आना है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज की तारीख में किसी के पास टाइम नहीं होता है कि इस चीज़ को प्रमोट करे। तो इस ढंग से अगर ये कंपनी अगर कर रही है तो इससे म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट है, नए सिंगर्स कितने निकलेंगे और काफ़ी बेनिफिट होगा, लोगों को फ़ायदा बहुत होगा और जो करियर ओरिएंटेड जो सिंगर्स हैं जो सारे लोग हैं उनको बहुत एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो ये सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए भी क्योंकि हम लोगों को भी पता नहीं था कि ये इस ढंग से ये प्लान करेंगे और इसमें सबको बेनिफिट है ये इस चीज़ से। तो इसके फाउंडर्स हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब इतना अनऑर्गेनाइज नहीं बोल सकते हैं इसको क्योंकि जगह लोगों को नहीं मिलती है, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए लोग प्लान नहीं करते, वो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते हैं हर एक लोगों के पास जाते हैं। तो ये वेल ऑर्गेनाइज इन लोगों ने जो प्लान किया है उसमें हमको ऐसा तो नहीं लगा, बट कि क्योंकि इनका जो ये एक्सप्लोर करेंगे उससे कंपनी को ही फ़ायदा है क्योंकि जो चीज़ें लाएंगे ये खोज के लाएंगे और कंपनी जो है वो उतना मेहनत नहीं करती है, उनके पास जो आता है वही करते हैं। तो जो खोजने का काम है वो बहुत बड़ा काम है, जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं आज आप देखेंगे तो मैक्सिमम टीवी पे जो प्रोग्राम्स चलते हैं न्यू टैलेंट न्यू सिंगर्स क्यों करते हैं, क्योंकि उनको जगह मिल रहा है। तो उस चीज़ के लिए लोग पहले ये सब चीज़ नहीं चलता था एंटरटेनमेंट में, ये सब सारी चीज़ें जो थी जो अलग ढंग से इंटरटेन होते थे, पर आज की तारीख में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक जो है अच्छे सिंगर्स जिसको लोग जानते नहीं थे वो अब जानते हैं। तो ये काम तो सबसे बड़ा काम है और ये अच्छे ढंग से ये लोग कर रहे हैं तो हमको तो लगता है ये काफ़ी सक्सेस पोजीशन पे आएंगे। तो आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे या किस तरह से एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहेंगे? सपोर्ट सिस्टम हम लोग जो मेरे दिमाग में जैसा चल रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो। इंडिया तो करना बहुत आसान होगा हम लोगों के लिए कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे जगह पे चला जाए, तो इस ये चीज़ जो बाहर हैं जो इंडिया से बाहर भी लोग हैं वो भी इस लाइव जो चीज़ें जो चलेगी उस चीज़ को ये देखें। तो मैक्सिमम हम लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ही रहेगा इन लोगों के लिए क्योंकि हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, नई चीज़ देखने को मिली नई चीज़ सुनने को मिली और ये सपोर्टिव रहेगा, ऑलवेज सपोर्टिव हम लोग करेंगे इस पर। किस तरह से इसकी ब्रांडिंग करने वाले हैं, कैसे इमेज क्रिएट करने वाले मार्केट में इस कंपनी? ब्रांडिंग है हम लोग का मकसद ये है जितने भी भाषा के सिंगर हैं नए सिंगर खासकर टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म देना, जाकि जहाँ तक ब्रांडिंग की बात है तो जैसे आज रत्नाकर सर हैं बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने इनका हाथ अगर आ गया ऑटोमेटिक ब्रांडिंग हो जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप खुद इतने दिन से जुड़े हैं स्पीड से, नए आर्टिस्ट को प्रमोट करना इतना आसान नहीं होता, वो चैलेंज हो। टैलेंट होना चाहिए, आर्टिस्ट प्रमोट होते हैं नए हो चाहे पुराने, टैलेंट होना चाहिए। एक छोटी सी शुरुआत करी हुई थी लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतने आगे तक जाएंगे। सही बताऊं तो उदय जी रत्नाकर भैया इन लोगों का सहयोग और मार्गदर्शक चाहिए, बस बाकी पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं। तो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम हो रहा है इस कंपनी में? मैं प्रणव के साथ जुड़ा हूँ, वी आर द फाउंडर ओनली, सो हम लोग यही चाहते हैं कि अपना बेस्ट करते हैं, बाकी क्या ओपिनियन आ रहा है किसका वो भगवान मालिक। तो आर्टिस्ट का कैटेगरी क्या होगा बेसिकली, मतलब आर्टिस्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल टाइप ऑफ आर्टिस्ट हमारे पास हैं और हम सेलिब्रिटी मैनेजमेंट भी करते हैं और प्रोजेक्ट डिजाइनिंग भी करते हैं प्लस सिनेमची लाइव म्यूजिक बैंड है, तो ये दो तीन चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो इनिशियली शुरुआत कहाँ से हो रही है और कहाँ अभी शुरुआत करने वाले, किसी से शुरुआत करने वाले, शुरुआत हो चुकी है? नहीं नहीं, बस आज से शुरुआत हुई है क्योंकि रत्नाकर जी के साथ अभी उद्घाटन किए हुए हैं, आज से ही शुरुआत कर रहे हैं।